जय हिंद दोस्तों, मैं निशांत कुमार, गर्दनी बाग फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी गर्दनी बाग में आज बारिश होने के कारण पूरा ट्रैक पे पानी आ गया है, तो एक बार ट्रैक दिखा दीजिए। कल इसी के कारण आपका टेस्ट नहीं होगा, तो आप लोग का जब भी टेस्ट होगा आपका वीडियो के माध्यम से या तो आपको कम्युनिटी लगा दिया जाएगा, और CSBC के तरफ से नहीं, लेकिन जिस तरह से हल्ला हुई है, लेकिन 99% एकदम कन्फर्म है कि आप लोग का टाइगर नहीं लिया जाएगा। उसके लिए सभी लोग हताश हैं, सभी लोग को प्रॉब्लम इस बात की है कि अब क्या करें। तो हमारे पास 15 दिन अभी टाइम है, तो 15 दिन में हम लड़के लोग को कितना सीजन सिखा सकते हैं, या फ्रंट जंप या जो भी हो बेली करवा सकते हैं। और एक और बात निकल के आ रही है कि गद्दा दिया जाएगा कि नहीं, इसके लिए अभी तक फाइनल नहीं हुई है, पर इतना गारंटी लग रहा है कि अगर आपका सीजर टाइगर हटा दिया जाएगा तो आपको गद्दा भी नहीं दिया जाएगा। और ठीक है, गद्दा भी नहीं दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बालू अच्छा से मिल जाएगा, 2 से 3 फीट बालू तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे। उसी तरह से हम अपने लड़के को तैयार कर रहे हैं, तैयार उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से कि अगर मेरा लड़का या किसी और का भी जो भी बिहार में तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 4-8 कोशिश अगर कर दिए सीजर और बेली मारने का, तो एक गारंटी है कि उनका मेरिट बनने की चांस है। क्योंकि अब इस टाइम कम मिला है कि लड़के अब तो निकलेंगे ही, दौड़ से निकलेंगे, उसके बाद हाई जंप में बहुत लड़के छटेंगे, तो आज उसी कड़ी पे बात करेंगे और किस तरह से हम सब सीजर मारे उसका आप एक छोटा सा क्लिप है जो आप देखिए वीडियो के माध्यम से। पहला क्या करना है, पहला तो आपको थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग करेंगे बॉडी का, जो कि हमारा ये खुल सकता है। दूसरा क्या है कि जितना हम पैर को खोलेंगे उतना ही हमारा अच्छा से सीजर मारने का होगा, जितना हम ये वाला पैर को फोल्ड उठा सकते हैं उतना हम अच्छा मार सकते हैं। दूसरा 2-3 एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं, इसी तरह और भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और दूसरा कि हम बताकर अभी दिखाते हैं, हमारे लड़के सब मद निषेध खड़े हैं, बहुत लड़के हो कि नहीं आए, तो ये जो रस्सी है, पहले हम रस्सी पे बात करेंगे कि रस्सी पे किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद हम गद्दा भी प्रयोग करेंगे, बालू पे भी प्रयोग करेंगे, सभी चीज पे प्रयोग करेंगे। कितना एंगल हमको बनाना है जिससे कि हमारा हिप ना टच हो और ना पैर हमारा बजने का कोशिश करे। सीजर में कैंची क्या होता है कि जितना इसमें गैप बनेगा उतना ही अच्छा से हम जंप ले सकते हैं। हमारे लड़के हैं, हम अभी करके बताएंगे, आप लोग वीडियो के माध्यम से बने रहिए। पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ से चलेंगे, जब चलेंगे तो पहले क्या करेंगे, पार नहीं करेंगे, जंप लेने की कोशिश करेंगे, इस तरह से चलेंगे, जंप ले सकते हैं। और जब भी जंप लेंगे तो बायां पैर टो से लेंगे, अगर राइट से चलते हैं तो राइट को टो पे लेंगे और बायां पैर को पूरा उठाएंगे, तो उसी तरह से ये एक एक्सरसाइज हो गया। दूसरा कि हम कितना जंप ले सकते हैं और किस एंगल पे ले सकते हैं, तो ये देखिए एक एंगल बना हुआ है, इससे हम जितना सीधा जाकर मारेंगे तो हिप सट जाएगा, और जितना इसको हम अंदर घुस के सीधा आके बॉडी को उठाएंगे, जितना उठाएंगे उतना ही अच्छा आपका जाएगा। तो देखिए दोनों चीज, ये गलती है लड़के लोग करते हैं, सीधा इस तरह से जाएंगे और सीजर मारेंगे इस तरह से, ये टच हो जाता है, जैसे ही हम इसको एंगल बना के मारेंगे तो टच नहीं होगा, ये जंप लेंगे, इसमें क्या होगा एंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे लड़का का ये लेफ्ट हो गया, और राइट में हम इधर से मारेंगे, ठीक है, तो राइट हो गया इधर से, ठीक है, ये हो गया, जो लड़का का राइट नहीं उठता है उसके लिए ये वाला पाया उठता है ना, तो हम थोड़ा सा कम से कम ये जो रस्सी है, रस्सी से कम से कम 2-2.5 फीट की दूरी रखेंगे, और दाहिना पैर को दबाएंगे और बायां पैर फोल्ड उठाएंगे, तो इधर से एंगल बनाएंगे, इधर से एंगल बनाएंगे, थोड़ा सा सीधा जाके थोड़ा सा इधर राइट कटेंगे, इधर सीधा गए राइट कट के ये, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों पैर से हम अपना एंगल बनाकर मार सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से देखिए हमारे लड़के मारेंगे, लाइन से उधर चलिए, लाइन से बढ़ते जाइए, वीडियो के माध्यम से उधर जाओ, वीडियो के माध्यम से देखिए हमारे लड़के एंगल बना के अंदर घुसेंगे और सीजर का कोशिश करेंगे। तुम्हारा कौन पर आगे गया? तो पे अच्छी है, चलो गुड, चलो गुड, पे टॉप पे बॉडी ऊपर, अंदर एंगल जो बना हुआ उसमें जाइए, गुड, चलिए गुड, थोड़ा सा बाहर बाहर थोड़ा सा बाहर, गुड, चलो जंप लेके पूरा गुड, अंदर घुसिए पूरा, गुड, थोड़ा तेजी में आया गया इधर, गुड, बहुत अच्छा लीजिए,